दोस्तों अगर आप भी हैं एप्पल के दीवाने मस्ताने तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों एप्पल कंपनी कुछ ऐलान करने वाली है। जी हाँ, आईफोन पसंद करने वालों के लिए कुछ खबरें। भारत के लिए एप्पल ने किया ऐलान। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक ने कहा कि वो भारत में अपने रिटेल स्टोर्स खोलने की योजना बना रही है। करीब पिछले एक दशक से एप्पल थर्ड पार्टी के जरिए ही भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट बेचती थी, लेकिन अब कंपनी इसे बदलने की तैयारी में है। एनालिटिक्स का कहना है कि एप्पल के ऑनलाइन स्टोर के लॉन्च होने के बाद कंपनी का मार्केट शेयर दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच 2% तक बढ़ा है। ऑनलाइन स्टोर पर एप्पल अपने ग्राहकों को फाइनेंसिंग से लेकर अपग्रेडिंग तक के ऑफर देती है। बुधवार को एप्पल के नतीजे जारी करने के बाद कंपनी के CEO टिम कुक ने कहा कि हम वहां भविष्य में रिटेल स्टोर्स भी खोलने जा रहे हैं। यह हमारी तरफ से एक और बड़ी पहल होगी। यहां पर हम अपने चैनल को और विकसित करना चाहते हैं। पिछले एक दशक में यह प्रीमियम स्मार्टफोन निर्माता कंपनी भारत में अपने हैंडसेट बेचने के लिए दूसरों पर निर्भर रही, यानी अपने फोन दूसरों के थ्रू बिकवाती थी। एप्पल को भारत में अपना यूजर बेस बनाने में भी समय संघर्ष करना पड़ा। यहाँ सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसे किफायती स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिकते हैं। हालांकि भारतीय बाजार के लिहाज से कंपनी के लिए Q4 2020 बेहद शानदार रहा। एप्पल ने भारत में 15 लाख यूनिट्स की बिक्री की है। 15 लाख फोन बेच दिए दोस्तों, यूनिट बेच दी सॉरी, जो कि इधर साल दर साल आधार पर 100% बड़ा है। काउंटर पॉइंट मार्केट मॉनिटर सर्विस के रिसर्च से इस बारे में जानकारी मिली है। टिम कुक ने बुधवार को कहा कि हम इस एरिया में कई काम कर रहे हैं। हम वहां अपने ऑनलाइन स्टोर खोला है और ऑनलाइन स्टोर के पिछले तिमाही की पहली पूरी तिमाही रही है, तीन माह रहे हैं। हमें इस दौरान जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। इसका प्रभाव हमारे नतीजों पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पर एप्पल की खास नजर है। पिछले तिमाही में एप्पल के नतीजों पर नजर डाले तो पिछले साल की तुलना में यह दोगुना हुआ है। इसके पहले भी एप्पल ने कुछ बाजारों पर खास ध्यान देना शुरू किया है। भारत भी उन्हीं में से एक है। भारत में कंपनी का मार्केट शेयर भले ही कम हो, लेकिन इस दौरान बिजनेस करीब दोगुना हुआ है। यही कारण है कि एप्पल अब भारत को विशेष ध्यान देने की तैयारी में है। और बता दें कि स्मार्टफोन कंपनियों के लिए भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है।